क्षेत्र में चल रहे 72वें इंडियन फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मा एक्सपो में शुक्रवार से शुरू हुए दूसरे दिन आज भारी भीड़ देखी गई। छात्रों को ACG कैप्सूल लिमिटेड की कैप्सूल या टैबलेट निर्माण प्रक्रिया पर आधारित 4D एनिमेशन फिल्म का वर्चुअल टूर देखने के लिए कतार में खड़े देखा गया। छात्रों ने कैप्सूल का ढक्कन बनाने से लेकर दवा भरने, सील करने और बांटने तक की पूरी प्रक्रिया सीखी। इस 3 दिवसीय फार्मा एक्सपो में देश भर की फार्मा कंपनियों, उद्यमियों ने अपने नवीनतम उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। इसके अलावा स्टॉल, चिकित्सा उपकरण, फार्मा मशीनरी, प्रयोगशाला के उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, किताबें और जनरल फार्मा एक्सपेरिमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। फार्मेसी किताबों की बढ़ती मांग, छात्र बड़ी संख्या में मेडिकल और फार्मास्यूटिकल बुक स्टॉल पर भी जा रहे हैं। फार्मा बुक सिंडिकेट के स्टॉल पर फार्मास्यूटिकल्स, स्टेटिक्स, फार्मेसी इन पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आदि किताबें प्रदर्शित की गई हैं और फार्मेसी के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स की किताबें निराली प्रकाशन पुणे के स्टॉल पर प्रदर्शित की गई हैं। ये फार्मा एक्सपो है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्सपो यानी बहुत सारी ना कंपनीज का या काफ़ी यूनिवर्सिटीज का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और जैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स का या फिर हमें कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चला, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला है और बहुत ही एक्सप्लोसिव और बहुत एक्सप्लोर हो रहा है नॉलेज। आम्ही 72nd फार्मास्यूटिकल कांग्रेस मध्ये आलो आहे आणि आम्ही इथे खूप सारे एक्सप्लोर करत आहे, खूप सारा आम्हाला नॉलेज मिळत आहे। एक तर मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रोडक्शन, फार्मा आणि खूप खूप काही, बहुत इन्फॉर्मेटिव आहे, खूप छान वाटलं। विभिन्न कांच के सामान, कांच के बर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे फ्लास्क, ब्यूरोइड्स, पिपेट्स, वायर गॉज, बकना फनल जो कि एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में देखे जा सकते हैं, कुछ स्टॉलों पर देखे गए। एक्सपो के आगंतुकों ने इन सभी उपकरणों के बारे में सीखा। इसके अलावा इस एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के कई डिवाइस प्रदर्शित किए गए। हर्बल फार्मा एक्सपो में गोंडवाना हर्ब्स के स्टॉल पर बैद्यनाथ वीको और हर्बल फार्मा एक्सपो में गोंडवाना हर्ब्स के स्टॉल पर बैद्यनाथ वीको आदि आयुर्वेदिक दवा कंपनियों के स्टॉल और जड़ी बूटियों के स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए हैं। 72वीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का यहाँ पे जो है एग्जीबिशन चल रहा है, उसका कल समापन होने वाला है। 3 दिवसीय इस एग्जीबिशन में कई यहाँ पे हमें स्टॉल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे छात्र जो है कई विविध विषयों का यहाँ उन्होंने जो है नॉलेज उन्हें मिला है और बहुत ही उपयुक्त ऐसी जानकारी यहाँ पर जो है छात्रों को मिली है। ये पहली बार जो है नागपुर में हुआ है और उसका लाभ बहुत सारे शहर के और एवं शहर के आसपास के छात्रों ने लिया है। कई कंपनियां यहां पे आई है जिनकी जानकारी जो है बहुत करीब से जो है शहरवासियों को मिली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।